और जालौन में एफएम और निजी चैनलों की भरमार है, लेकिन एक वक्त था जब समाचार और मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो और दूरदर्शन ही हुआ करता था। आकाशवाणी की स्थापना 1927 में आज ही के दिन की गई थी और उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा रखा गया था। देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से की गई। साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया। सरकारी प्रसारण संस्थाओं को स्वायत्तता देने के इरादे से 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी को शामिल किया गया है। रेडियो का काम कर रहा हूँ। उस समय जो है बल्ब का रेडियो चलता था, नेट जो है मकान के ऊपर छत को ऊंचाई पर बांधा जाता था और 90 वोल्ट की एवर रेडी कंपनी जो है उसमें जो है पांच पिन का सॉकेट का जो है वो बनाती थी बैटरी 90 वोल्ट की एवर रेडी कंपनी, उससे बल्ब जलते थे और उससे जो है रेडियो का बजना। नमस्कार दोस्तों, आज आकाशवाणी का स्थापना दिवस। आकाशवाणी कभी किसी ज़माने में मनोरंजन और समाचार का एक ही साधन हुआ करता था, वो था रेडियो। उस ज़माने में आपने कभी सुना होगा उस समय, आजकल जो कि वैसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मन की बात रेडियो पर ही करते हैं। आज हम आपको इस आकाशवाणी का पूरा इतिहास बताते हैं। आकाशवाणी के इतिहास के बारे में हमारे पास जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक आकाशवाणी की स्थापना 1927 में 23 जुलाई 1927 को आकाशवाणी की स्थापना की गई थी और उस समय इस सेवा का नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी कि जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। और देश में रेडियो प्रसारण की शुरुआत वैसे तो मुंबई और कलकत्ता में साल 1927 में की गई थी और वो भी जो है दो निजी ट्रांसमीटरों द्वारा की गई थी, लेकिन साल 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और साल 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। आकाशवाणी यानी कि समाचार संकलन या समाचार प्रसारण का एकमात्र साधन था उस समय का। लेकिन आज के बदलते दौर में जहां एफएम रेडियोज़ की जो है भरमार हो गई है, न्यूज़ चैनलों की भरमार हो गई है, यानी कि डिजिटल प्रसारण की इतनी सारी भरमार हो गई, सोशल मीडिया पर जो है इतना सारा सब कुछ और मौजूद है, लेकिन किसी ज़माने में यही एकमात्र साधन था रेडियो। और रेडियो जब समय होता था बहुत दूरस्थ इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी कुछ नहीं थी, वो लोग वहाँ जो है रेडियो के सहारे ही जान पाते थे कि हमारे देश और देश दुनिया में क्या हो रहा है। आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इन कनेक्टिविटियों का अभाव है। इन जो 5G की जो दौर है, इस जो डिजिटल दुनिया का दौर है, आज भी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्र छूटे हैं तो वहाँ आज भी लोग इसी रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी से समाचार सुनते हैं, संस्कृत में सुनते हैं। मतलब देश में जो भाषाएं बोली जाती हैं, जो 26 भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं के अलग अलग जो है प्रसारण के केंद्र बनाए गए हैं और वहाँ से इन भाषाओं में जो है समाचारों का प्रसारण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात रेडियो पर ही करते हैं और उस बदलते दौर की याद दिलाता है ये रेडियो और आकाशवाणी।